हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मोनिका। अब एक सरप्राइज है आपके लिए, क्योंकि मुझे भी अभी एक सरप्राइज मिला है। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि सोनाली का बर्थडे है, तो हमने राहुल के बर्थडे पे ऐसे करा था कि एक आउटिंग करी थी। तो सोनाली के बर्थडे पे भी यही प्लान था कि एक आउटिंग करेंगे, बट फिर क्या हुआ कि मेरा पोस्टमार्टम टाइम चल रहा था, मैं नहीं जा सकती थी। मीनाक्षी पी का फुल टाइम है, 9th मंथ है, वो नहीं जा सकती थी। तो इन लोगों ने प्लान करा कि ठीक है, आकाश भैया वो चले जाएंगे। हमने कहा ओके, कल बाय बाय करके जो सब कुछ करके। लेकिन अभिषेक भैया ने, इन्हें इनका मन था, इन्हें बोला कि आ जाना, तो इन्होंने मुझे रात को आके पूछा चले। मैंने कहा नहीं जाना, बहुत ठंड हो रही है, बच्चों के साथ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है। लेकिन आज फिर से कॉल आई उनकी कि आ जा आ जा। तो ये कह रहे चल लेते हैं यार, एक चेंज हो जाएगा। तो मुझे भी यही था यार, इतना टाइम हो गया, राहुल हमारे साथ ही बिजी है, इन्हें भी कोई चेंज नहीं मिला है। और मेरे साथ क्या है कि हम दोनों ने अच्छे से डिस्कस करा कि क्या बच्चों को प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों ने अंदर ही रहना है, आई एम मूविंग, क्योंकि ये रोने लग जाएगी वरना फिर। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग अंदर ही रहेंगे, और 1-1.5 घंटे का रास्ता है, और बाप ने बैठे रहना है, जैसे यहाँ बैठे रहते हो वैसे वहाँ बैठे रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ सब होंगे, बैठेंगे, थोड़ी देर बातें करेंगे, मज़े करेंगे, आपके लिए चेंज हो जाएगा, आ जाएंगे। तो फिर सब कुछ सोचने के बाद फिर मैंने बोला ठीक है चलते हैं। तो अब मीनाक्षी भी आ रही है, सेम रीज़न, चलो चलो यार, बहुत मन है, बहुत मन है। तो मीनाक्षी भी आ रही है, मैं भी जा रही हूँ, राहुल साइड पे गए हैं, उन्होंने बोला है कि मैं 1 घंटे में आता हूँ, तब तक सब कुछ पैक कर लो, जो भी ज़रूरत की चीज़ें बच्चों की रख लो, और एक रात रुकेंगे, नेक्स्ट डे आ जाएंगे। तो अब फाइनली हमारा ये प्लान हुआ है कि हम लोग सोनाली के बर्थडे पे बाहर जा रहे हैं। फाइनली सोनाली, यही चाहते थे ना हम लोग कि हाँ एक आउटिंग हो जाए, लेकिन अब हो रही है। और मैं वहाँ जाके और बाकी के अपडेट मैं इसके बाद करती हूँ, उसके बाद देती हूँ। राहुल ने बोला मुझे तैयारी कर लो, मैं कोई तैयारी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि लिटाते ही रो रही है, तो वो सब भी राहुल ही करने वाले हैं आके। देखा, शान ने फिर एक निशानी छोड़ ही दी है। तो फाइनली मैं अपने जापे को कुछ ऐसे गुड बाय बोलने वाली हूँ बाहर जाके एक आउटिंग लेके। ऑनेस्टली बताऊँ तो अगर तुम कॉन्फिडेंट होते हो, कंफर्टेबल होते हो, तो ये टाइम पीरियड इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। बस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि तुम्हारी हेल्थ और बेबी की हेल्थ, अगर वो दोनों किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहे हो, तो ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, यू कांट मूव फ्रॉम योर बेड। मैं वैसे भी अपने बेड से उठ रही हूँ, कर रही हूँ, क्योंकि राहुल वैसे भी जा रहे हैं जॉब पे, तो मुझे उठना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं 24/7 बेड रेस्ट पे हूँ, नहीं। तो मुझे ऐसा कुछ चेंज नहीं लग रहा कि अगर हम लोग बाहर जाएंगे तो हम, मैं अपनी या फिर बेबी की हेल्थ को रिस्क में डालेंगे। तो इसलिए फाइनली बाय बाय करते हुए अपने जापे के टाइम को हम लोग जा रहे हैं एक आउटिंग पे। आज आ गए शान की कार सीट, यहाँ पे छोटे से छोटे बेबीज के लिए भी होती है कार सीट, तुम साथ लेके नहीं बैठ सकते, चाहे वो 1 महीने का बच्चा है चाहे 2 महीने का बच्चा है, तुम्हें कार सीट में ही बिठाना होता है। ये हमारा बैग है जो पैक हो गया है, ये हमारी किया है जिसने सारा सामान फैलाया हुआ है लेकिन साफ करने का नाम नहीं ले रही, ये राहुल है, पूरी पूरी मेहनत कर रहे हैं हम दोनों के झेलने की। यहाँ पे मेरा डायपर बैग रेडी हो गया है और मैंने इसकी वीडियो बनाई है जो मैं जल्दी शेयर करूंगी। और यहाँ पे मैं हूँ, मैं शान को फीड करा रही हूँ ताकि इसको कार सीट पर आराम से सोते हुए जा सके। तो दो बच्चों के साथ हमारी पहली आउटिंग, हम कैसे निकले हमें पता है, ये रखो वो रखो, ये रह गया वो रह गया, अब बस हम निकलने वाले हैं। ऐसे लगा था ये भी रख लो वो भी रख लो, शायद इसकी जरूरत पड़ जाए, शायद उसकी जरूरत पड़ जाए। अब यहाँ पे रूल तो यही है कि इसको पीछे ही हमें बिठाना चाहिए, लेकिन ये चुप नहीं हो रही है, तो अब समझ नहीं आ रहा हम कैसे करेंगे। यहाँ पे बैठेंगे किया और यहाँ पे है शान, अब बस ये सो जाए शान और रोए ना, ध्यान रखना इसका, ये नहीं हो रही चुप। अब इसको हम लोग अपने साथ ही लेके जाएंगे, ऐसे आगे ही बिठाऊंगी, आई मीन क्योंकि सीट पे तो नहीं रह रही है चुप, पता नहीं कैसे रख लेते हैं ये तो नहीं चुप हो रही। तो हम सब तैयार हैं, बस मैं थोड़ी सी कॉम अभी रास्ते में ही करूँगी, मैंने भी कॉम करी नहीं है। राहुल बिल्कुल टिच रेडी होके बिल्कुल तैयार, और किया आप भी रेडी हो, लेट्स गो। और ये हमारे पड़ोसी के बच्चे बाय कर रहे हैं हमें, ठीक है तुम भी इंजॉय करना, मम्मी मारेंगे अंदर जाओ।
वरना मेरी क्या तो खूब खेलती इनके साथ। किया के साथ ऑलमोस्ट सेम एज की लड़की है, किया तो बहुत खुश होके नहीं, किया से बहुत बड़ी, किया काका कैसे उसका साइज देखा है? सारे साइज का तो कुछ बच्चे ऐसे बड़े होते हैं, थोड़े हेल्दी है से होते हैं। हाँ बेटा जो है, बेटा किया के साथ का है ना, किया को घर से निकलते ही भूख लगती है, है? कि बाहर तो कुछ अलग मिलेगा, बढ़िया मिलेगा खाने के लिए। दाढ़ी बढ़ा के बाल वाइट कर लूँ तो सेंटा क्लॉस लगूंगा? यस प्लीज। नेचुरली और क्या सुंदर जगह लोगे आप, हाँ सनसेट, गाड़ियाँ, गाइया और क्या सुंदर जगह लोगे, सनसेट, गाय, शांति शांति, दूर दूर तक देखो पहाड़। डरावना रास्ता है, आधा घंटा हो गया एक गाड़ी नहीं निकली हमारे आसपास से, और अभी तो थोड़ा थोड़ा दिन है, रात में अगर एकदम से लाइट बंद कर दो तो कुछ दिखेगा ही नहीं यहाँ पे आसपास, यहाँ गाड़ी खराब हो जाए तो बंदी क्या हालत होगी। तो ये सब मैं
ऐप वैप आ गए हैं तो चीज़ कितनी आसान होगी, तुम्हें बता देगा कितनी देर में पहुँचोगे, कितने किलोमीटर रह गया है। पहले जब सबसे पहले जब मैं आया था ग्रेट ओशन रोड, जब हम सब आए थे तो मैप तो होते नहीं थे गूगल मैप, जो ऑस्ट्रेलिया आए थे नए नए तो वो होती थी मेलबर्न, इतनी मोटी बुक होती है उसमें सारे मेलबर्न के मैप होते थे। तो तुम्हें जहाँ जाना है उस जगह का नाम, फिर उस जगह का नाम पहले पीछे उसमें एक डायरेक्टरी होती थी उसमें ढूंढो, फिर उस जगह के नाम से रिलेटेड वो जो स्ट्रीट नाम ढूंढ लोगे तुम, फिर वहाँ से वो पेज नंबर देगा तुम्हें, उस पेज नंबर पे खोलो उस पेज नंबर को, उस पे मैप होगा तो वो मैप कनेक्ट करते करते कोई ऐसी रोड पे जहाँ को जहाँ से जहाँ जिस रोड को तुम जानते हो, मतलब जहाँ पे तुम्हारा आइडिया है कि हाँ ये तुम फिगर आउट कर सको, हाँ यहाँ से इस वाले रोड से यहाँ जा रहा है, रोड फिगर करते थे वहाँ से, फिर याद करके निकलते थे घर से रास्ता, और कहीं पे दिक्कत हुई तो गाड़ी रोक के फिर मेलवे खोल के चेक करते थे स्ट्रीट्स वगैरह, फिर इतनी मेहनत करके घूमते थे। लेकिन मतलब रास्ते याद हो जाते थे कभी, हाँ, रास्ते याद नहीं होते क्योंकि आसान हो रखा है ना, चलाओ चल दो। अब ये आ गया तुमने लगाया, मुझे कोई रास्ता याद नहीं कहाँ से आए हम, इस पे डिपेंड हो गए अब। उस टाइम पे तो मेलबर्न के सारे मेन सारी स्ट्रीट्स पता थी, कौन सी पैरेलल है, कौन सी क्रॉस कर रही, कौन सी कहाँ जा रही, किसके पैरेलल कौन सी चल रही होगी, मेन हाईवे सारे पता थे। अब नहीं मुझे पता कुछ भी, अब तो ये आ गया डाला, बिल्कुल हैंडीकैप बना दिया इसने। हाँ आगे चढ़ाई पे, चढ़ाई तो ऊंची ऊंची जा रही, क्या है भाई दो और कितने ऊपर, 1-2 किलोमीटर ऊंचा जाना है क्या? चलता है। बड़ी गंदी सड़क है भाई। अच्छा सीधा ही चलता रहूं ऊपर ही ना, ऊपर की तरफ ही? वेलकम आ गया, तेरे की बोर्ड लगाने की जरूरत थी, वेलकम का बोर्ड लगवा दिया तूने यार। ऐसे है ब्रो, ऐसे करते हैं। अब नीचे की तरफ आ रहा है। हां आ जा जा नीचे आ जा। विलाज एंड एग्जिट। हां विला कितना विला सीधे से चलता है। लेवल 3 अब टी पॉइंट्स आ गया। 3 और 4 आ गए। लेवल 4 दिखा रहा है उस पे। और कोई खोपचे में ना मिली तुझे जगह?